वेलकम टू टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना, बात कर रहे हैं फिल्म आदि पुरुष की। आपको बता दें, आदि पुरुष फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार दर्शक बहुत ही बेसब्री से कर रही है। जब से इस फिल्म के बारे में अनाउंसमेंट हुई है तब से लेकर अब तक दर्शक आए दिन बस इस फिल्म को लेकर अपडेट जो है वो जानना चाहते हैं। और अब इस फिल्म में एक नया नाम जुड़ गया है जिसे सुनकर आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की अदाकारा कियारा आडवाणी इस फिल्म में आपको नजर आ सकती हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई फिल्मों में अपने टैलेंट को साबित किया है। खबर है कि आदि पुरुष में इन्हें प्रभास के अपोजिट देखा जा सकता है, यानी कि माता सीता के किरदार में आपको कियारा दिखाई दे सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि रामायण पर आधारित इस कहानी में प्रभास जो है श्री राम के किरदार में नजर आएंगे, तो उनके अपोजिट कियारा आडवाणी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। खबर है कि इन्हें अप्रोच किया गया है और अब जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। कियारा आडवाणी पहले से भी साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और ये आपको बता दें कि दर्शकों को काफी पसंद भी आई है। आपको बता दें, कियारा आडवाणी से पहले इस रोल के लिए कृति सुरेश का नाम सामने आया था। उन्होंने 2019 में फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है, लेकिन अब इस फिल्म में कियारा नजर आती हैं या कृति, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वहीं आपको हमने पहले भी बताया है कि फिल्म में ऑलरेडी अजय देवगन की एंट्री हो चुकी है। खबर है कि अजय देवगन लक्ष्मण के किरदार में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सैफ अली खान फिल्म में रावण के किरदार में नजर आएंगे। तो ये है कुछ कास्ट के नाम जो हम आपको बता चुके हैं। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।